बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। खुशहाल किसान सरबुलंद पाकिस्तान, मोहम्मद शहबाज़ आवान सरबुलंद पाकिस्तान की तरफ से मैं आज अब्दुल मनम साहब के पास आया हूँ। ये काफ़ी अरसे से दोस्त कह रहे थे कि सर हमारा पपाया का जो फील्ड है वो विज़िट करें, तो ये अब्दुल मनम साहब अपने इलाके का अपनी फसल के बारे में बताएंगे, तो फिर इनसे कुछ सवालात किए जाते हैं। इन्होंने इंटरक्रॉपिंग की है, पपीते में लहसुन गार्लिक भी लगाया हुआ है, तो उसके लिए भी मैं इंशाल्लाह इन्हें कुछ ना कुछ एडवाइस करूँगा। तो ये अलादिता साहब हैं, ये अब्दुल मनम साहब हैं। अब्दुल मनम साहब अपने इलाके का प्लीज़ तारफ़ करवाएँ। ये चक नंबर 624 का पे है जी, तहसील जड़ांवाला ज़िला फैसलाबाद। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, आपने ये पपीता लगाया था, आपको याद होगा कि किस महीने में लगाया था आपने ये? हमने पिछले साल नवंबर में लगाया है जी। 2019 नवंबर में लगाया है, ठीक हो गया। तो आपने कितने पौधे लगाए थे एक एकड़ में? 1100 पौधे लगाया था। तो उसमें से बहुत सारे ये नज़र आ रहे हैं कि आपके पौधे जो हैं ड्राप हो गए। हाँ जी, काफ़ी सारे पौधे जो है वो ख़राब हुए हैं जी। ख़राब हुए हैं जी। अच्छा, फिर आपको किसी दोस्त ने बताया, आपने हमारे साथ रब्ता किया, हमने आपको 3-4 प्रोडक्ट अपने रिकमेंड किए। बिल्कुल अपनी ईमानदारी से बताना है आपने कि जब से आपने हमारे प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू किए हैं, उसके बाद आपके कोई पपीते का कोई नुकसान हुआ, कोई पौधा गिरा है, कोई ख़त्म हुआ है? ठीक है, माशाल्लाह काफ़ी पहले से काफ़ी बेहतर है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उस तो बाद फ्रूट साडा तैयार होने लग पिया जी माशाल्लाह। पहले मुरझाया आप यानी के पत्ते इंज कटे, बिल्कुल ठीक। उस तो बाद हरे भरे चौड़े पत्ते, माशाल्लाह। एक गल साडे सामने आई, कोई साडे दिल नु भी सुकून होया। सुकून होया, बिल्कुल। एक गल मैं होर दसांगा कि अज जदों मुलाकात हुई है ते दोस्त फेड अप होए सी, जिवें होर बहुत सारे दोस्त जिहड़े पपीते तो दुखी हो जांदे आ। ओहदी वजह सिर्फ ये बनी कि इन्हां ने ना बैड बहुत छोटे बनाए सी। मैं फोन ते इन्हां नूं कहा सी कि बैड बड़े करो, चौड़े कर लो। हुण इन्हां ने जिहड़े बैड बना ले आ बड़े शानदार ने। यह जिहड़ा फील्ड है इस ते इन्हां ने इंटरक्रॉपिंग की है। अच्छा, तो हुण कोरे दा थ्रैट है जी, बड़ा क्रिटिकल टाइम है, तो प्रोटेक्शन प्रो नूं ते SP ग्रीन नूं तुसीं लै के चलोगे, जिहड़ा ग्रो मैक्स आ उहनूं तुसीं ड्राप कर दिओगे, हुण उहदी जरूरत नहीं रहेगी। तो जिहड़े तुहाडे नागे ने गैप्स ने, तुसीं इहदी गैप फिलिंग करोगे, या जिहनूं कहिंदे आ भी अपने नागे लगा के अपना बाग पूरा करो, अल्लाह करीम दे फज़ल करम नाल पपीता तुहानूं बहुत ज़्यादा फायदा करेगा इंशाअल्लाह। और इहनूं तुसीं जिहड़ा पानी जिहड़े है ना ओह बहुत दूर रखो, बेशक रोज़ लगाओ। पानी ज़्यादा दा मसला नहीं बनता, पपीते दा प्रॉब्लम सिर्फ यह आता है कि पपीते दे मुड़ नाल इहदे तने नाल इहदे स्टेम नाल पानी ना लगे। दूर बेशक रोज़ लगाओ सही। और इहनूं सल्फेट वालियां जिहड़ियां चीज़ां उहनां दी ज़्यादा जरूरत हुंदी है, पोटाशियम सल्फेट जिहनूं SOP कहिंदे उहदी जरूरत है, अमोनियम सल्फेट की जरूरत है माइनर मिकदार दे विच, थोड़ी मिकदार दे विच। इहनूं जिंक सल्फेट की जरूरत हुंदी है, फेरस सल्फेट की जरूरत हुंदी है, ते उस तो बाद कापर सल्फेट की जरूरत है। जिहड़ा बंदा इह पंज चीज़ां लै के चलेगा उहदे पपीते नूं कुछ नहीं इंशाल्लाह हो सकदा। आ देखो फल लग्या, बड़ा अच्छा माशाल्लाह फल है। अल्लाह करीम बरकत पावे, अल्लाह पाक आसानियां पैदा करे, ते मैनूं यकीन है कि इह आउण वाले वक्तां च पपीते तों अल्लाह करीम अगे दुआ भी है कि इन्हां नूं अच्छी प्रोडक्शन मिले और अच्छी आमदन होवे। बहुत मेहरबानी जी, अब्दुल मोनम साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, ठीक हो गया जी, मालक खुशियां देवे। अल्लाह